क्या करूँ यार नहीं हो पा रहा लाइक like, उस वाले रूम में भी कुछ इश्यू है काफी बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है तो अभी जो है आपके सामने है एंड सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज मैनेज इट ओके मैं सब कुछ धीरे धीरे कवर करूंगी मेकअप प्रोडक्ट्स और किन केयर हो गया देन आपके फैशन से रिलेटेड चीजें हो गई काफी सारी चीजें हम जो है सेक्शन को कवर करेंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट मेकअप प्रोडक्ट तो आई वुड से आपके पास कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए जो अगर आप मेकअप में नहीं भी हो तो भी इतनी चीजों से आपका काम आराम से चल जाएगा आपको ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है लाइक like, स्पेशली uh, अगर आप टीन एज हो या आप मेकअप इतना ज्यादा नहीं लगाते या आपको बस चाहिए कि आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगो बट इतना लेयर वेयर लगाने का मन नहीं है तो आप ये चीजें जरूर ले सकते हो या आप इनको ही यूज कर सकते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं या फिर बीबी -बी क्रीम ले सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं वो होगा हमारे बेस के लिए एंड मैं कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए प्रेफर करती हूँ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नहीं लेना तब तब आप बीबी -बी क्रीम की तरफ जाना कॉम्पैक्ट पाउडर एक तो बहुत इजी है आपको सिंपली बस प्रोडक्ट लेना है एंड टच अप कर लेना आप कभी भी रेडी हो आप कुछ भी हल्का फुल्का टचअप कभी भी कर सकते हो एंड इट एक्चुअली मेक्स डिफरेंस तो आपको मिरर भी मिल जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ तो एक बेस के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं इसके अलावा अगर बात करें आई मेकअप की अगर आप मुझसे पूछो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट लेना है सिर्फ एक प्रोडक्ट लेना है कुछ नहीं लेना तो आई वुड से एक काजल एक अच्छा काजल आप ले लीजिए सो इंडियन लुक की बात हो और काजल ना हो ऐसा हो नहीं सकता अगर आप मुझसे पूछो मेरा फेवरेट काजल कौन सा है एंड इट डेफिनेटली का काजल ओ माय गॉड बहुत अच्छा है लाइक like, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि पेड वीडियोस हैं या यू नो स्पॉन्सरशिप है इस वजह से सारे अच्छा कह रहे हैं बट नहीं ये एक्चुअल अच्छा में अच्छा है मैंने बिल्कुल भी पेड पार्टनरशिप नहीं किया अभी तक मामा के साथ आई थिंक एक भी नहीं किया तो ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है इट कॉस्ट अराउंड बट आपको हमेशा डिस्काउंट मिल जाएगा और मैं आपको हल्का सा हैंड्स वॉश दिखाती हूँ जस्ट लुक एट दिस कितना जेट ब्लैक है और सबसे अच्छी बात इस काजल की ये है अगर आप इसे यू नो एज अ लाइनर भी अप्लाई करते हैं तो ये स्मज नहीं होता लाइक ये जैसे ऊपर नहीं लगता ये एकदम इंटैक्ट रहता है अपनी जगह पे कंप्लीटली वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ है तो so, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी एंड फेस्टिव सीजन में आप आईज के लिए यू you नो know, एक काजल ले लीजिए और आप इससे मल्टीपल लुक क्रिएट कर सकते हैं सो so, ये काजल आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं या आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप वो वाला काजल ले सकते हैं एंड नेक्स्ट वन हैज टू बी लाइक लिपस्टिक्स लिपस्टिक्स में जो है मेरी एक अलग से वीडियो है आप वो लिपस्टिक भी चेकआउट कर सकते हैं बट इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप स्पेशल फेस्टिव सीजन के लिए देख रहे हैं तो ये देखो कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे अगर आपको न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है तो आप न्यूड साइड ही की जाए तो न्यूड साइड जाओ आप न्यूड लिपस्टिक लो अगर आप थोड़ा बोल्ड पसंद करते हैं लिपस्टिक वेयर करना तो आप रेड और पिंक ट्राई कर सकते हैं या डार्क ब्राउन ट्राई कर सकते हैं तीनों ही कलर काफी ज्यादा ट्रेंडी है और वो मोस्टली स्किन टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो लिपस्टिक के लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं बट मेरी कुछ सजेशन होंगे कि आप अगर यू नो दो तीन लिपस्टिक बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर रेड न्यूड और एनी काइंड ऑफ ब्राउन क्योंकि पिंक का ये आप वो हर ड्रेस के साथ या कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है एंड ये तीनों लिपस्टिक जो है आपको ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करेगी ही करेगी लाइक न्यूड लिपस्टिक सबके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है ब्राउन लिपस्टिक मोस्टली ड्रेसेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है रेड लिपस्टिक भी काफी अच्छी लगती है तो आप इन तीनों में से कोई भी लिपस्टिक जो है अपनी पसंद की ले सकते हैं लेना चाहते हैं नहीं और जो है को आप ऐसे ब्लश भी यूज कर सकते हैं ओके okay, सर so ये होगा एक आई शेडो पैलेट अगर आप मुझसे सजेशन मांगे कि एक में अच्छी आई शेडो पैलेट जो अच्छा काम भी करती है और बजट में भी है और जो यू you नो know, अच्छी है सो so बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगी आपको ये ब्यूटी ग्लेस की पैलेट एंड इसमें जो है फोर डिफरेंट शेड आपको मिलते हैं ऐसे बुक की तरह खुलेगा ओके okay? और इसमें चार शेड हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ये सारे सी ग्रीन ग्रीन के टोन्स हैं मतलब बेसिकली ग्रीन है देन यहाँ पे थोड़े न्यूड आ जाएंगे ग्लिटर आ जाएगा थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज सब है तो यहाँ पे मिक्स ब्लू कलर थोड़ा येलो वेलो मतलब सारे कलर्स आप देख सकते हैं आप यहाँ देख लीजिए ये सारे शेड्स जो है आपको मिल जाते हैं एंड आई थिंक ये पैलेट जो है मोर देन दे अगर आपकी शादी होने वाली है या आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हैं जो मेकअप में है तो आप इन्हें दे सकते हैं एंड ये कॉस्ट करती है आपको रुपीज ये आपको थ्री टू तो फोर हंड्रेड के अंडर अंडर मिल जाएगी अमेजोन पे एंड बहुत ही अच्छी पैलेट है आप डेफिनेटली ले सकते हो कुछ कलर्स की जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी कम है बट ठीक है यार लाइक मोस्टली पैलेट मतलब मोस्टली कलर्स जो है वो हाईली पिगमेंटेड है एंड इसमें ग्लिटर देखो आप कितने सुंदर ग्लिटर है तो ये पैलेट आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आई थिंक मेकअप का इतना सफिशियंट रहेगा अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं। फिर तो यार पूरी किट आप लो यू नो फिर आप जितना मेकअप चाहो ले सकते हो लेकिन इतना मेकअप आपको लेना ही चाहिए इट शुड बी लाइक यू नो मस्ट है अगर आप बिगिनर हो या आप इतना ज्यादा मेकअप पसंद नहीं करते तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी अब बात करते हैं थोड़ी बहुत एसेसरीज की यू you नो know, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं सो so, मैं कहूंगी फेस्टिव सीजन है तो आप डेफिनेटली बिंदी ट्राई कर सकते हैं बिंदी जो है एक लुक को आपके अलग ही लेवल पे पहुंचा सकती है बिंदी इंडियन टच के साथ आती है एंड इट रियली कॉम्प्लीमेंट योर इंटायर लुक सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई बिंदी दिस फेस्टिव सीजन सो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सर्टन हेयर एक्सेसरीज बिकॉज हेयर एक्सेसरीज जो होती है हेयर स्टाइल जो होता है लाइक like मुझे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मैं हेयर एक्से हेयर एक्सेसरी में गलत बोल देती हूँ ओके तो मैं हेयर एक्सेसरीज पे थोड़ा बहुत यू नो काम कर लेती हूँ लाइक like कुछ गजरा लगा सकते हैं आप थोड़े फ्लावर वो जो आते हैं आर्टिफिशियल वाले रेड रोज़ लगा लिया एक या आपने खुले बाल किए तो यहाँ पे एक रोज़ लगा लिए एक फ्लावर लगा लिया या आजकल तो वो लाइक बैक साइड पे वो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हेयर एक्सेसरीज चलिए सो आप वो सब ले सकते हैं तो हेयर स्टाइल भी जो है आपके लुक को काफ़ी हद तक चेंज करने का पावर रखता है और वो एक्चुअल में अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो पूरा लुक थोड़ा सा वैसे सा लगता है सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई सम हेयर एक्सेसरीज ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट टू इज ज्वेलरी ज्वेलरी पीसेस जो होते हैं ना वो हमारे इंडियन में या आप कह लो ओवरऑल डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तो अगर सपोज आपने सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है बट अगर आपकी ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही आपकी ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है आपके इंटायर लुक को तो फिर वो बहुत बड़ा मेस हो जाता है सो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ यू नो टाइमलेस पीसीज में इन्वेस्ट करें अगर आप इस फेस्टिव सीजन कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो I, मैं आपको जो एक सजेशन दूंगी वो ये होगा कि डोंट ई वुड नॉट से डों ट्रेंड बट इट्स लाइक आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेंड फॉलो मत करो लाइक like, अगर सब कुंदन की ज्वेलरी पहने हैं तो आप भी कुंदन ही पहनने लग जाओ और चलो कुंदन तो फिर भी सदा भार like, है लाइक एक पर्टिकुलर काइंड की ज्वेलरी एक पर्टिकुलर ज्वेलरी पीस लाइक like, उसके पीछे आपको नहीं भाग भागना फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टीर ड्रॉप वाले ईयर रिंग है तो ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है इस साल और ये आई थिंक टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड के रुपीज में जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे सो so, ये अभी ट्रेंड में है लेकिन एक दो सालों बाद ये आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे तो जब आप वेयर करोगे तो वो थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड लगेगा सो so, सिंपली आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ तो जब भी आप ज्वेलरी लें तो ट्राई करें कि आप टाइमलेस पीसीज में इन्वेस्ट करें जैसे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्डन झुमका रियल वाले नहीं फेक वाले गोल्डन झुमका आप ले सकते हैं इसके अलावा आप मीनाकारी की ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं आप कुंदन में ट्राई कर सकते हैं देन आप ऑक्सर ज्वेलरीज ले सकते हैं आई वुड से कि आप अगर मान लो सपोज ऑक्सरइज ज्वेलरी का ट्रेंड है तो आप डेफिनेटली ट्राई करो लेकिन सेम झुमका नहीं जो हर कोई ले रहा है थोड़ा सा उससे तो ज्वेलरीज जो है वो भी मस्ट हैव है आपको डेफिनेटली ज्वेलरीज लेनी चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए आप ऐसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें जो टाइमलेस है लाइक वो आज अगर आप पहनो तो भी अच्छी लगे पांच साल बाद पहनो तो भी अच्छी लगे दस साल बाद पहनो तो भी अच्छी लगे लाइक वो आउट ऑफ ट्रेंड ना जाए या मतलब ऐसा ना हो कि एक ही पर्टिकुलर डिजाइन की ज्वेलरी सबके पास है और वो ही सेम डिजाइन की ज्वेलरी मैंने भी ले ली तो वो चीज आप फॉलो ना करें आप डेफिनेटली कुछ अच्छी ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करें जैसे कि आप कुंदन ट्राई कर सकते हैं आप मीनाकारी ट्राई कर सकते हैं आप लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं इसके अलावा एक गोल्डन स्टेटमेंट ईयर ट्राई कर सकते हैं आप स्टेटमेंट ज्वेलरीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये गाइज यू शुड डेफिनेटली बाय सम ज्वेलरी दिस फेस्टिव सीजन के साथ ही आपको अपने कम्फर्ट का भी ध्यान रखना होगा सो so, फुटवेयर लेते वक्त आपको काफी सारी चीजें माइंड में रखनी है कम्फर्ट के साथ साथ थोड़ा स्टाइल वगैरह भी आपको देखना है

आउटफिट का चॉइस जो है सबका अलग अलग होता है बट सो so आप जो भी लोग कोशिश करो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का वो हैवी ना हो उसको बाकी तो आपकी मर्जी है जो आपको पसंद आए आप डेफिनेटली ले सकते हैं बट ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस होगी आपके लिए क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिन्हें हम बाद में यूज नहीं कर सकते थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट सो बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय